मोदी जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत कहता है, जो मोदी अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए से बड़ा मान करता है, वो जासूसी के ज़रिए से इसराइल के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। लिहाजा इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान को मजीद मोहतात हो जाना चाहिए। Israel and India have a gehri dosti, deep friendship. Today we honor 30 years of diplomatic relations between Israel and India. आज ही के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में भी होता है, लेकिन कश्मीर को बिल्कुल आंखें सबने बंद की हुई, तो आप तो वहां रहती हैं, तो क्या है ये, मतलब कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में जो इमरान खान साहब ने कल दिया? आप देखिए, कहां 6000 समथिंग टूरिस्ट हैड कम इन 2020 एंड 6 लाख टूरिस्ट हैव कम इन द ईयर 2021 डिस्पाइट द कोविड एंड डिस्पाइट, मतलब गवर्नमेंट ने टूरिज्म को लेके इतना काम किया है। एंड दुनिया भर में अब यही बातें हो रही हैं कि नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू गो एंड इन्वेस्ट इन कश्मीर। अब इसके बीच में जब पाकिस्तान, दिस इज माय पॉइंट, ओके अब बात करें, अब कंप्लीट करें, जब अब इसके बीच में जब इमरान खान ऐसी बातें करता है कि वहां पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को बांध के रखा गया है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है। पिछले दिनों जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को, एग्जैक्टली आपने देखा पहली बार घंटाघर, ये वही घंटाघर है जो यासीन मलिक के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता था, लोगों को जबरदस्ती बोला जाता था घरों से बाहर आओ एंड चीयर करो, ठीक है ना। आज देखो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है वहां पे, लहराया था, एक घंटे के बाद उन्होंने उतार दिया क्योंकि वो पोल बहुत वीक था और उनको डर था कि फ्लैग गिर जाएगा। अब वो परमानेंट लगाने वाले वहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे गाड़ दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, आज इजराइल के अंदर भारत का झंडा लहराया जा रहा है और भारत के नाम पे बड़े बड़े लाइट शो किए जा रहे हैं, वो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। इतना ही नहीं, भारत के अंदर भी इसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरे ऐतिहासिक स्थलों पर भी इजराइल और भारत का साझा झंडा लहराया जा रहा है। और कारण ये है कि आज से 30 साल पहले 29 जनवरी 1992 भारत और इजराइल के रिलेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हुए थे और इसको लेकर भारत और इजराइल एक त्योहार की तरह बना रहे हैं ये 30वीं एनिवर्सरी को। और दोस्तों, इजराइल के प्रेसिडेंट नफ्ताली बेनेट एक वीडियो के थ्रू भारत को हिंदी में संदेश दे रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरह दोनों देश भारत और इजराइल इस 30वीं एनिवर्सरी को बना रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि भारत और इजराइल के संबंध की गहराई कितनी है। और दोस्तों, इस एनिवर्सरी के इस सेलिब्रेशन को देखकर पाकिस्तान के पीछे में लग गई है आग। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से उनका रोता हुआ चेहरा को देखते हैं। और दोस्तों, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वक्त अगर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं या इमरान खान साहब की तरफ से बयानात का आना, उन्होंने कल एक मतलब मुख्तलिफ जर्नलिस्ट उनके साथ बैठे हुए थे, इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि एक जिसे कहते हैं कि दोहरा मायार है, डबल स्टैंडर्ड है वर्ल्ड का कश्मीर के हवाले से और जिंगजियांग के हवाले से। उन्होंने कहा कि वहां की बात तो लोग करते हैं कि यार वहां पे जो यूगोर मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत जुल्म होता है और हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा तो यही बिलीव है। लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में भी होता है, लेकिन कश्मीर को बिल्कुल आंखें सबने बंद की हुई, तो आप तो वहां रहती हैं, जर्नलिज्म करती हैं, हर किस्म के लोगों से मिलती है क्योंकि मैं एक्टिविटीज देख रहा होता हूँ ग्रुप्स में आपकी, तो क्या है ये, मतलब कितनी सच्चाई है इस स्टेटमेंट में जो इमरान खान साहब ने कल दिया? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, इमरान खान साहब खुद अपनी ही पॉलिटिक्स में फंस गए। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिक्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द कश्मीर नैरेटिव, एंड द कश्मीर नैरेटिव इज नाउ टर्निंग वेरी वेरी पॉजिटिव, इट्स टर्निंग। अभी जब दुनिया भर में जब जिक्र होता है कश्मीर का, इट्स ओनली अबाउट कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने कौन जा रहा है। जैसे आपको पता है दुबई के इमार ग्रुप, लूलू ग्रुप सब आ रहे हैं, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के स्टॉक्स जो I agree कि they were on all time low after all these hits, you know, abrogation हुआ, फिर internet shutdown हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ये जो चीजें हो रही थी, संभलने में time लगा। तो उस पूरे दौरान मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर्स कितने गिरे हुए थे, लेकिन जब से ये न्यूज आने लगी है कि इमार ग्रुप आ रहा है, लूलू ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है टूरिज्म को, मतलब आप देखिए कहाँ 6000 समथिंग टूरिस्ट हैड कम इन 2020 एंड 6 लाख टूरिस्ट हैव कम इन द ईयर 2021 डिस्पाइट द कोविड एंड डिस्पाइट, मतलब गवर्नमेंट ने टूरिज्म को लेके इतना काम किया है।
मतलब हाउ डू आई से अननोन जगहों को उन्होंने डेवलप किया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज डिस्कवर किया है, डिस्कवर किया रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को डेवलप किया, एडवेंचर टूरिज्म को डेवलप किया, रेनोवेशन ऑफ श्राइन्स एंड टेम्पल्स, हर चीज उन्होंने की, कौन सी चीज नहीं छोड़ी. तो रेवेन्यू कितना आया है उस वजह से कश्मीर, बहुत सारी चीज. नाउ पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट, अब जेके बैंक के शेयर ऊपर हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जो भी कोविड की वजह से इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे वो कम्प्लीट हो, जॉब जनरेट हो. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. अभी भी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, आई एम नॉट सेइंग मदर गवर्नमेंट इज ट्राइंग, एंड दुनिया भर में अब यही बातें हो रही है कि नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू गो एंड इन्वेस्ट इन कश्मीर. अब इसके बीच में जब पाकिस्तान, दिस इज माय पॉइंट, ओके आप बात करें, आप कंप्लीट करें. जब अब इसके बीच में जब इमरान खान ऐसी बातें करता है कि वहां पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को बांध के रखा गया है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा आपके परिजात में क्या दिखा रहा है. मैं इतनी बड़ी फैन थी उस शो की. वो जाता है कहीं ये पता नहीं पहाड़ों के पास जाता है, बोलता है कि सरहद के उस पार दुश्मन है, वहां पे जुल्म कर रहा है दुश्मन, वैसी जालिम तेरी मोहब्बत है. I mean, what is, why do you have to always include this stupid narrative? ऐसा यहाँ पे कोई जुल्म, कोई सितम नहीं हो रहा है. हाँ, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो वो है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है. When I use the word पाक स्पॉन्सर्ड, what do I mean? मुझे पता है पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इट कैन स्पॉन्सर थिंग. मतलब रेडिकलाइज करना, ड्रग्स भेजना, ड्रग्स की आड़ में बच्चों से ऐसे काम करवाना. आपको पता है जब ड्रग्स की आड़ में जब यंगस्टर्स आ जाते हैं, स्पेशली इफ दे आर अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स, वो तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. उनसे ये काम करवाना, अब आप पूरी बात सुनिए, इस तरह की हरकतें करना, फिर जब ये अपने हाथ में गन, और इनके पास गन भी कहां से आती है, किसी पीएसओ से छीन के भाग जाते हैं, आर्मी वाले से छीन के भाग जाते हैं, पुलिस नाके से छीन के भाग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं. फिर ये यहाँ के टीचर्स को मारते हैं, यहाँ के दुकान वालों को मारते हैं, ये वाले जुल्म यहाँ पे जरूर हो रहे हैं. अब कल भी आप देखो पुलिस वाले को मारा गया, और यहाँ पे जो लोग हैं वो रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों दुनिया यहाँ इस तरफ झांक के नहीं देखती कि इस तरफ कितना टेररिज्म है, यहाँ पे हमारे लोगों को मारा जा रहा है टेररिज्म के नाम पे, हमारे लोगों को मारा जा रहा है. जब ये प्रोटेस्ट जब यहाँ पे हो रही है, उसका भी तो कोई सुनता नहीं है दुनिया में. पिछले दिनों जब हमारा रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को, एग्जैक्टली आपने देखा पहली बार घंटा घर, ये वही घंटा घर है जो यासीन मलिक के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जाता था, लोगों को जबरदस्ती बोला जाता था घरों से बाहर आओ एंड चीयर करो, ठीक है ना. आज देखो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है वहां पे, लहराया था एक घंटे के बाद उन्होंने उतार दिया क्योंकि वो पोल बहुत वीक था और उनको डर था कि फ्लैग गिर जाएगा. अब वो परमानेंट लगाने वाले वहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे गाड़ दिया गया. पॉइंट इज के आज की तारीख में वहां तिरंगा लहरा रहा है, लोग इसको लेके खुश है, मतलब द कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर. अब जो हम देखो, हम जैसे जो न्यू एज नेशनलिस्ट है, न्यू एज कश्मीरीज, दे ऑल वॉन्ट वन थिंग कि यार हमारा कश्मीर भी उसी पेस से आगे बढ़े जैसे महाराष्ट्र बढ़ रहा है, जैसे पंजाब बढ़ रहा है, जैसे तमिलनाडु केरला बढ़ रहे हैं. एंड वी अंडरस्टैंड वेरी वेल कि द ओनली रीजन कश्मीर पीछे रह गया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट्स अ मुस्लिम स्टेट. ओनली रीजन कश्मीर पीछे रह गया इज बिकॉज हमने हर वक्त इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखा. इन बाकी स्टेट्स ने कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं किया. अब जाहिर सी बात है मसले मिसाइल तो इनके यहां भी होंगे. आपको क्या लगता है यहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं थे? यहाँ पे जो सोशल इवल्स हैं जैसे रेप्स और ये सारी चीजें, ये यहाँ पे नहीं होती थी बाकी स्टेट्स में. ये सोशल इवल तो हर जगह होती है, एग्जैक्टली करप्शन हर जगह होती है, फिर भी इन्होंने अपने मसले मसाइल के बावजूद कभी इंडिया के साथ, अपनी नेशनल इंटेग्रिटी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया, कभी कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा नहीं रखा. कि 2017 में इसराइल से स्पाईवेयर पेगासस खरीदने का भी मुआहिदा जो हुआ, इसके जरिए से मुखालिफिन को और दीगर शख्सियात को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, उनकी जासूसी की गई. आप जानते हैं मोदी ने 2017 में $2.5 अरब का इसराइल से ख़रीदारी का मुआहिदा किया था, असलहे की ख़रीदारी का. उसके अंदर ये जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है नाज़िर काम, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, यहाँ तक कि अमरीका और दीगर ममालिक के अंदर भी काफ़ी हलचल मची है. मोदी जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत कहता है, जो मोदी अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए से बड़ा मान करता है, उसका असल आईना ये है कि वो जासूसी के ज़रिए से इसराइल के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है. लिहाजा इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान को मज़ीद मोहतात हो जाना चाहिए कि इसराइल और भारत दोनों पाकिस्तान के दुश्मन हैं.